अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल कंट्री कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पुलाव, जिसकी रेसिपी ये है। तीन पाव हमने चावल लिए हैं, तीन मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, दो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, एक बड़ा प्याज लिया है, चंद हरी मिर्चें हैं और ये है सूखा मसाला, जिसमें हमने ज़ीरा का, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक बादियान का छोटा फूल, दो तेज़पत्ता। और मसाले हमने लिए हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है, एक चम्मच हमने बिरयानी मसाला लिया है और एक चम्मच हमने लिया है नमक। हाफ कप हमने इसमें ऑयल ले लिया है। अब हम शुरू करते हैं पुलाव बनाना। इसमें डाल रहे हैं प्याज, इसको हल्का गुलाबी होने देंगे। हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्की गुलाबी है। इसमें डाल रहे हैं टमाटर, टमाटर को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। हमारे नरम, अब इसमें हम डालेंगे आलू। आलू डालने के बाद हमारे जाएंगे सारे सूखे मसाले। अब इसमें जाएगा पानी। अब हम इसको आलू गलने तक 10 मिनट के लिए ढक दें। हमारे आलू गल चुके हैं और पानी भी इसका खुश्क हो गया है। ये हमारे आलू गल चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी जा चुका है इसमें और इसमें आने देंगे एक अच्छा सा उबाल। इसमें उबाल आ चुका है हमारे, पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे चावल। अब इस स्टेज पे आके हम जो है ना उसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। और ढक्कन ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे। ये हमारा पुलाव रेडी हो गया है, बस अब हम इसको दम के रखेंगे। अब हम आपको 10 मिनट के बाद मिलते हैं, ये चावल दम हो जाएंगे। ज़बरदस्त सा आलू का पुलाव हमारा तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।